आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज आपको इस ऐसे शेयर के बारे में बात बताने जा रहा हूँ जो मात्र 66 रुपये के प्राइस पे काम कर रहा है और काफ़ी टाइम से ये इसी प्राइस रेंज में काम चल रहा है। इसका 60 से और 70 के बीच में ये लगातार अपना कारोबार कर रहा है। ये काफ़ी टाइम होगा इसको कंसोलिडेट करते हुए एक ही जगह पर 60-70 की रेंज में। देखिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है इस शेयर के अंदर बहुत जल्दी हो सकता है बहुत अच्छी उछाल देखने को मिल जाए हमें। और अक्सर ऐसे ही शेयर होते हैं जो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके शेयरों में जो काफ़ी टाइम तक एक जगह कंसोलिडेट करते रहते हैं, एक जगह उसमें कारोबार चलता रहता है बहुत टाइम तक, कई कई महीने तक, तो उसमें अचानक ऐसी जंप आती है को बहुत अच्छे रिटर्न बना के हम सब लोगों को दे देते हैं। लेकिन उसमें सब्र की बहुत ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उसमें लेने के बाद फंस जाते हैं। मैं अभी आगे चलकर आपको ये भी दिखाऊंगा कि इसके अंदर किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी खरीदी हुई है और वो अभी तक सबर करके बैठे हैं इसमें, कि इसमें कुछ हो बड़ा और हम कुछ प्रॉफिट करें या अपने लॉस से बाहर निकलें। तो बहुत ऊंची ऊंची रेंज पर उसको ख़रीदा हुआ है और बहुत अच्छी क्वांटिटी खरीदी हुई है। मैं आपको वो दिखाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखा दूं इसका रेसिस्टेंस जो बन रहा है। पहला है 67 रुपये 32 पैसे का और दूसरा है 68 रुपये 33 पैसे का और तीसरा 68 रुपये 57 पैसे का। ये बहुत छोटे छोटे रेजिस्टेंस बन रहे हैं इसके। वैसे इसका सपोर्ट भी है, सपोर्ट देखना 66 रुपये 67 पैसे का, 66 रुपये 3 पैसे का और 64 रुपये 2 पैसे का इसकी सपोर्ट बन रही है। चलिए मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, कंपनी लगातार अच्छा कर रही है, कारोबार अच्छा कर रही है, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर दोनों ही सेगमेंट में कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन शेयर भाव उसका वही का वही है, लगता है इसमें बहुत ऊंची और बहुत तगड़ी उड़ान आने वाली है और जो बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों को या जो भी इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा उसको बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस बन रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे देखते हैं। देखिए 1 वीक में देखें तो ही नुकसान दे रही है कंपनी, 1 मंथ में देखें, 3 मंथ में देखें या पूरे साल में देख लें, लगातार कंपनी हमें नुकसान दे रही है। 30% का एक साल में इसने नुकसान दिया है और 3 साल के अंदर इसने 29% का मात्र रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। लेकिन इसकी ऑल टाइम की हम बात करें तो ऑल टाइम इसने बहुत अच्छा रिटर्न दे रखा है, तकरीबन 4000% का इसने ऑल टाइम में अपने निवेशकों को रिटर्न दिया है। देखिए वॉल्यूम भी इसके अंदर बहुत कम आ रहा है, 1 लाख 2 लाख का इसके अंदर से वॉल्यूम आ रहा है क्योंकि शेयर पूरी तरीके से ठंडा पड़ा है। इस तरीके शेयरों में हमेशा मैंने देखा है कि जब जंप भरते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जंप भरते हैं और बहुत अच्छा पैसा बना के देते हैं। देखिए ईयर ऑन ईयर देखें आप, यहाँ देखें इसमें तो 58.78 करोड़ का इसने प्रॉफिट क्या है ईयर ऑन ईयर। मैं भी आपको NSE की साइट पर जाकर भी दिखाऊंगा कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कर रही है और किस तरीके से कंपनी कामकाज कर रही है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्वार्टरली और ईयरली आप देख सकते हैं इसमें। बात करें इसको शेयर मार्केट की कम्युनिटी इसके बारे में क्या राय दे रही है अपनी। देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं 33% इसको बाय करने के लिए सलाह दी जा रही है और 33% ही सेल करने की सलाह दी जा रही है और 34% होल्ड करने की। इसका मतलब 30 और 30 60, लगभग 70% इसको लगभग खरीदने की और होल्ड करने की सलाह दी जा रही है।
ये HDFC सिक्योरिटी ने कितना सर्वर बना कर रखा हुआ है इसके अंदर। 2017 में ये देखें, 2017 में इसने खरीदा था 48 रुपये के प्राइस पे, और टारगेट रख रखा है इसने 675 रुपये का। देख, बहुत बड़ा टारगेट है, इतना आसान भी नहीं है ये। ये देखें आप, मैं इस चीज को दिखाने के लिए आपसे कह रहा था। देखिए यहाँ देखें, 103 रुपये के प्राइस पे इतनी क्वांटिटी है इसमें, तकरीबन 4.5 लाख के तकरीबन इसके अंदर क्वांटिटी खरीदी हुई है 103 रुपये के प्राइस पे। और यहाँ देखें आप, ये देखिए 2021 की खरीद हुई है, फरवरी 22, 2021 में। 10 फरवरी में ये देखें 2021 का, इसमें है 733,459 क्वांटिटी 104 के प्राइस पे। मतलब इसको एवरेज करने की कोशिश की गई थी उस टाइम। देख कितना सबर बना के बैठे हुए हैं, इतनी हैवी क्वांटिटी खरीदने के बाद भी इसमें सबर बना के रखे हुए हैं, 100 रुपये से ऊपर खरीद के बैठे हैं। इतनी बड़ी रकम लगाने वाले इसके अंदर सवर करके बैठ सकते हैं, तो हम अपने 10-20 हज़ार लगा कर सवर क्यों नहीं कर सकते, हमें भी होल्ड करना चाहिए। और अब तक ये काफ़ी नीचे स्तर पर मिल रहा है, बहुत कम प्राइस पर मिल रहा है, तो आप सोच सकते हैं। खरीदना ना खरीदना ये आपके ऊपर है, मैं सिर्फ आपको इसका ये दिखा रहा हूँ कि कंपनी के अंदर क्या क्या चल रहा है। एक मेन चीज़ और आप इसमें ये ध्यान दें, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के बारे में। अगर हम सोचते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उसमें हमें सबसे मेन पॉइंट ये भी देखने को मिलता है कि इसका प्रमोटर कितने हिस्सेदारी लेके बैठे हैं इसमें। देखिए प्रमोटर की हिस्सेदारी की बात करें इसके अंदर, तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी इसमें तकरीबन 70.88% की बनाई हुई है, जो रेगुलर एक सी बनी हुई है। प्लेज की बात करें तो प्लेज कंपनी का एक भी शेयर नहीं है, प्रमोटर ने अपनी पूरी होल्डिंग अपने पास रखी हुई है 2021 के दिसंबर से, और अब तक एक जैसी नौ की पोजीशन बनी हुई है कंपनी में, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए DI वालों की देखें, DI वालों ने भी थोड़ी सी इसके अंदर हिस्सेदारी बनाई हुई है तकरीबन 4% की। FII वालों ने भी देखो इसके अंदर कितनी अच्छी अपनी पोजीशन बना रखी है। FII है FII की बहुत मामूली सी हिस्सेदारी है इसमें 0.82% की, और बाकी 24.33% की पब्लिक की हिस्सेदारी है इसके अंदर। कंपनी के कंप्यूटर जो हैं, कंप्यूटेटर कंपनी के सन फार्मा है, सिप्ला है, डेविस लैब है, डॉक्टर रेड्डी है। कितनी अच्छी अच्छी कंपनी इसकी कंप्यूटेटर हैं, लेकिन फिलहाल इसके प्राइस में और बाकी कंपनी के प्राइस में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन जिन्होंने इतनी मोटी क्वान्टिटी इसके अंदर खरीदी हुई है, उनको कहीं ना कहीं भरोसा है कि कंपनी इन प्राइसों तक ज़रूर पहुँचेगी, तभी उन्होंने इतनी बड़ी अपनी होल्डिंग बना के और सवर करके बैठे हैं, कभी तो उसके अंदर उछाल आएगा। देखिए मैं बात कर रहा हूँ एलेम्बिक लिमिटेड के बारे में। अब देखिए आप इसका चार्ट देखें, कितना टाइम हो गया इसको एक जैसे लेवल में काम कर रही है कंपनी, कॉन्सेंट्रेट करे हुए बहुत टाइम हो गया इसको काम एक ही जगह ट्रेड करते हुए। चलिए अब मैं आपको सीधे NSE की साइट पर लेकर चलता हूँ, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। देखिए अब हम
एनएससी के चार्ट पर हैं, जैसा आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का भी चार्ट है और एनएससी का भी है, देख सकते हैं आप। अब आप इसमें गौर दें, यह है प्रॉफिट ऑन लॉस, कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दिसंबर 2021 देख लें, दिसंबर 2022 से सितंबर 22, जून 22 और मार्च 22 और ये दिसंबर 21। देखिए दिसंबर 21 में आप इसने 394 करोड़ का प्रॉफिट किया था, फिर मार्च 2022 में 462 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर जून 2022 में 363 करोड़ का, ये लाख में है 363 लाख, और 30 सितंबर 2022 में 690 लाख का, और दिसंबर 2022 में हाईएस्ट 1044 लाख का इसने प्रॉफिट किया है। तो दोस्तों मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, सिर्फ नॉलेज पर्पस के हिसाब से बनाई है, आप इसको अपने नॉलेज के हिसाब से लें, और हो सकता है, मुझे लगता भी है कि ये कंपनी हो सकता है अभी और लंबा टाइम खींचे उछलने में, ऊपर जाने में, लेकिन मुझे भरोसा है जो भी कुछ देखा है इसके अंदर, प्रमोटर की होल्डिंग देख लें या कंपनी का लॉस और प्रॉफिट देखें, कुछ भी देख लें, कंपनी के अंदर कुछ बुराई तो मुझे दिखाई नहीं देती, जो भी कुछ देखा है मैंने वो सब कुछ बेहतर ही दिखाई दिया है। खरीदना ना खरीदना अपने रिस्क पर होता है हर इंसान का, कभी भी किसी की बातों में आकर या किसी के बहकावे में आकर, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि हम आपको प्रॉफिट कराएंगे और ये करवा देंगे वो करवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा इंसान जब भी पैसा कमाता है प्रॉफिट करता है मार्केट में, जब उसकी खुद की नॉलेज अच्छी हो जाती है। तो जब तक आपका दिल ना कहे, आपका दिमाग ना कहे किसी भी शेयर में इन्वेस्ट ना करें, जब भी करें अपने ही रिस्क पर करें, किसी कहने पर ना करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो, दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।